सरकार बदली, साल बदला, समाज और लोग वहीं के बने। लोग कहते हैं वादा करके आते हैं चले जाते हैं, 10% भी पूरा नहीं होता, तो लोग क्यों वोट करते हैं? हम सब लोग टैक्स भरते हैं इस देश में। अगर 125 करोड़ की आबादी है तो सारे लोग टैक्स भरने वाले हैं। आपके टैक्स को ही सरकार खर्च करती है आपके मद में। वो खर्च करती है नहीं करती है, जिस जो भी जहां पैसा जाता हो, लेकिन वो पैसा आपका है, तो उस पैसे को के खर्च को तय करने की जिम्मेदारी, वो कैसे खर्च हो, कहां पे लगे, नीतियों का जो मसला है उसी के लिए चुनाव होते हैं, उसी के लिए विधायिका है, उसी के लिए संसद। जब आप पैसे दे रहे हैं, इतना पैसा आप सरकार को दे रहे हैं, इतना विश्वास उसको दे रहे हैं, इतने अधिकार उसको आप दे रहे हैं, तो वोट ना देना उस बहुत बुनियादी जिम्मेदारी से पीछे हटना है जो कि आपको देना करना चाहिए। मतदान करना मेरे मुझे लगता है कि उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। अगर आबो हवा अच्छी नहीं है तो उसको सही कैसे करें, इसके ऊपर हम ये कॉल नहीं दे सकते कि जब तक हवा सही नहीं हो जाएगी शहर के हम सांस नहीं लेंगे। तो मतदान करना चाहिए, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये आपकी संसद है, ये आपकी विधानसभा है, आपके लिए इन लोगों को काम करना है। काम नहीं कर रहे हैं, इनकी जवाबदेही उस हिसाब से तय कीजिए। उनको आप चुने ना चुने, इसका आधार यही होना चाहिए कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, बजाय इसके कि उनका जात क्या है, धर्म क्या है, वो किस तरह की बातें कहते हैं, किस तरह के उनके बाकी प्रलोभन हैं। तो उन चीज़ों पर आप ना जाएं, आप इस पर जाएं कि आपका पैसा आपके जनप्रतिनिधि ने किस तरह से खर्च किया, आपके लिए किस तरह की नीतियां बनाई। अगर आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ अमंगल ही है, सब कुछ गलत ही है, सब कुछ खारिज करने लायक है, तो उस स्थिति में एक विकल्प नोटा का होता है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। और उसका सीधा संदेश है, अगर आप नोटा का बटन दबाते हैं तो ये संदेश ये है राजनीतिक दलों के लिए कि आपने जो प्रतिनिधि, आपने जो उम्मीदवार लोगों को दिए हैं, लोग उनमें से किसी भी उम्मीदवार को इस योग्य नहीं समझते हैं कि उसे चुन के उनके प्रतिनिधि के तौर पे उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको विधानसभा में या लोकसभा में भेजा जाए। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है कि आप किसी को वोट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप मतदान केंद्र पर जाएँ और फिर भी आप वोट करें। और एक और चीज़ है, अगर लोग घरों से निकल के वोट करना बंद कर देंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या ये होगी कि जो अवांछित तत्व हैं, जो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो लोग फिर पोलिंग की जगहों को, चुनाव की जगहों को, सार्वजनिक जगहों को, इन सब के ऊपर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करें। लोग जितना ज़्यादा होंगे, चोरी उतनी कम होगी, पारदर्शिता उतनी ज़्यादा होगी, जवाबदेही उतनी अच्छी होगी। इसलिए मतदान से पीछे नहीं हटना चाहिए, मतदान करना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। मतदान करना चाहिए, पानी आनंद जी ने बहुत सही तरीके से समझाया हमें। भले आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा करिए, लेकिन मतदान करने जरूर